नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। आज हम बाराबंकी जनपद के बंकी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मोहिद्दीनपुर गांव में उपस्थित हैं। यहां पर हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री आवास की हकीकत क्या है। इस गांव से खबरें मिली हैं कि जो आवास दिए गए हैं वो अपात्रों को दिए गए हैं, बल्कि जो पात्र हैं वो प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत के कारण ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो लोग कैसे गुजर बसर करते हैं अपनी, उनको आवास मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक हम सबको पक्की छत देंगे, इसी पर आज हमारी कवरेज है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो ये झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर शौचालय भी इनको मिला हुआ है। हम ये दिखाएंगे इनको आवास अभी तक क्यों नहीं मिला है। यहाँ पर जो लाभार्थी हैं ये बैठी हुई हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। हम दिखाएंगे आपको, अंदर भी दिखाएंगे यहाँ पर अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम आपको विजुअल दिखा दें, देखिए अंदर ये बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पर परिवार रहता है, ये गैस सिलेंडर रखा हुआ है, ये चूल्हा बना हुआ है। और ऐसे में जो लाभार्थी हैं वो कैसे इसमें गुजर भर करते हैं, जो पानी होता है देखिए, खाली जो छप्पर है वो छाया हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं, आपको आवास क्यों नहीं मिला? सर 3 साल से रहते हैं इसमें, कोई एप्लीकेशन लगाओ, कोई एप्लीकेशन नहीं कर दिया था, ऊपर आवास काहे नहीं मिले, या तो हम सोचना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? क्रांति। आपने अपने गांव में प्रधान चुनती हैं आप, आपने अपने प्रधान के पास जा करके शिकायत दर्ज कराई कि भाई हमारे पास आवास नहीं, हमको आवास दिया जाए? तो हमने शिकायत तो की थी, लेकिन यही कहते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। और ऐसे ऐसे करते आप 3 साल बिता दिए जी। इसके आगे ऊपर के अधिकारियों से आपने कोई सूचना मांगी या आके ऊपर के अधिकारियों के पास आप गई? जी हाँ गए। फिर क्या हुआ? तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, बस कर एप्लीकेशन लिख के डाल देते हैं कि यहाँ सुनी जाएगी, तो फिर जांच भेजेंगे, जांच नहीं आ रही है। ये मोहिद्दीनपुर का पहला केस था। आगे चल करके हम आपको और दिखाएंगे कि जो भी लाभार्थी हैं उनको आवास क्यों नहीं मिला है। देखते रहिए आप। आज हम आपको आवास की खबर दिखा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे आवास पर, आपको हम इसकी भी हकीकत दिखाते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए, ये देखिए ऊपर का पूरा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छप्पर रखा हुआ है। माताजी हमारी यहां पर है और बाकायदा ये देखिए, ये आप कह सकते हैं लगा हुआ है। आप आइए अंदर, हम कहेंगे दिखाने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर परिवार रहता है, और ये छप्पर है। हालांकि गांव वालों का कहना है यहाँ पर एक बार आग भी लग चुकी है, फायर ब्रिगेड भी आई थी, जिसने ये देखिए ये लाभार्थी हैं, ये दिखाता है 3 घरों में लगी आग। ये 9 मई 2017 में हुआ था और परिवार 2017 में आग लगी थी, तब से इसी तरह बना करके छप्पर के मकान में रह रहा है। लेकिन जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनकी वजह से परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और परिवार को आवास अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम मालूम करते हैं जो यहाँ पर आवास में रहने वाले लोग हैं, इनसे मालूम करते हैं। हमको मिला था आग लगी, हाँ, इनको रंजीत कुमार पुत्र, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये चेक भी है। इनको 4100 की 4100 रुपए की मदद भी मिली थी तहसील की तरफ से, लेकिन आवास नहीं मिला। और ये आप कह सकते हैं भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आवास नहीं मिल पाया है। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार है, और आपको आवास अभी तक नहीं मिला? अभी तक आवास अर्जी नहीं दिया गया। नवा समाज एक बार नोटरी भी लेके जमा करवाया प्रधान, और ब्लॉक में हमसे कागज मांगे कि ब्लॉक बराबर कागज लेके गए। सिक्योरिटी संजू कुमार सिंह जांच ही करने नहीं आते हैं, प्रधान कुछ बता देता है, बहरे जो करते हैं कर लेते हैं, सिक्योरिटी मौके पर आता ही नहीं। 20 बार कागज हमारे जमा हुए, नोटिस सबसे पहले हमारी जमा हुई, हमारे साथ के आवास बन चुके हैं, आज तक हमारा आवास कोई आवास ही नहीं, 10 साल से उसे गुजर कर रहे हैं। भाइयों का आवास घर दिखाया जाता है, बताते हैं भाइयों के घर में इसका हिस्सा, भाइयों किसी के भाई अगर किसी को दे देते तो हमको दे देंगे, हमें आवास नहीं दिया जाता है। कम से कम 20 बार हमारी जाँच हो चुकी है, 20 बार रिपोर्ट लग चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये परिवार काफी परेशान है, बरसात में मजदूरी करते हैं, बरसात में कैसे बसर करें, कैसे घर बनाए, क्या करें क्या ना करें, बरसात में रह रहा है, समस्या जायज है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, आखिर इस ऐसी छोटी सी जगह में गुजर बसर कौन कर सकता है। हम आपको आज आवास पर कब्ज दिखा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं केस नंबर 3 पर,
अब ये देखिए पीछे हमारे, ये देखिए एक छप्पर, एक दीवार है और इस पे छप्पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक माताजी और उनका बेटा रहता है। हालांकि उनका भी यही कहना है कब छप्पर गिर जाए, कब हम इसके अंदर दब जाएं। जब सरकार सुविधा देती है तो वो सुविधा बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और उस सुविधा का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। माता जी हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर हैं। आपको आवास नहीं मिला, आपने अप्लाई किया था? बोलो। हाँ, बहुत दिन की बार नहीं आए, तब हमारे पति खत्म हो गए रहे और हमारा लड़का छोट रहा या बिटिया हमारे वहाँ छोटी रहा है, तब कई बार नहीं आए, तब तनिका ठहर नहीं है, पूरा वो गिरने लायक हो गया है। हाँ, बतिया बाबू जी झाक कर देख लियो। जो इनको आवास 20 साल पहले मिला था वो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, वो कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जो परिवार है, रातों में अगर बारिश होने लगती है तो उसका ये कहना है कि बैठ करके उसकी रात गुजरती है। तो ऐसे में जो सरकार सुविधा दे रही है उस सुविधा का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। आपको मोहिद्दीनपुर मजरे मुजफ्फरपुर की खबर दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये मकान बना हुआ है यहाँ पर। इनको बहुत पहले आवास मिला था, बहुत पहले मिला था, लेकिन परिवार वालों का भी कहना सत्य है कि इस एक कमरे में माता जी रहती हैं, उनके दो बेटे रहते हैं और उन दो बेटों की बहुएं रहती हैं, उन दोनों बेटों की पत्नियां रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। अब एक कमरे में इस तरह से संभव नहीं होता है कि एक कमरे में 10 लोगों को रखा जाए या 10 लोग एक कमरे में निर्वाहन कर सकें। इसलिए जो आवास है वो भी इनको मिलना चाहिए, ऐसा परिवार का कहना है। बात करते हैं हम, क्या नाम है आपका? रामरति नाम है आपका। आपको क्या आवास मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए। क्या हुआ, आवास मिला नहीं मिला? अरे मिली रहे, दो बच्चे दो बहुरिया रह रही है, 10-5 बिटिया हमारे हैं, दमाद है, कैसे गुजर भाई, तो ऐसा है कि एक मिल जाए तो अलग अलग अपन रह ले। तो इसके पहले कितने दिन पहले आवास मिला था आपको? अरे वो कम से कम 16 साल हो गए। 16 साल पहले आवास मिला था, इसके बाद अभी तक कोई आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और एक घर में कम से कम 10-12-15 लोग रह रहे हो? हाँ। परिवार वालों का कहना है एक कमरे में हम 12-15 लोग रहते हैं, अगर आवास मिल जाए तो सबका परिवार अलग अलग हो जाए और सब लोग अपने अच्छे से गुजर बसर करके मजदूरी करके अपना पेट पालते रहें। अब हम आ चुके हैं पांचवे केस के ऊपर। आपको पांचवा घर दिखाने जा रहे हैं गांव में। ये पांचवा घर बना हुआ है, इस पे भी पॉलीथीन आप देख सकते हैं। आपको अंदर हम बुलाएंगे, अंदर दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, ये आवास है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पर खाना बनता है। माता जी है हमारे साथ में, इनसे हम जानकारी लेते हैं। आपको आवास नहीं मिला? जी हमको नहीं मिला आवास। कॉलोनी 1 साल पहले हमको जो लिस्ट पे हमारा नाम थे, नाम 5 महीना पहले लिस्ट पे नाम आया था, हमारा आवास कॉलोनी आ गई थी। उसके बाद में आवास कॉलोनी सब लोगों पक्के पक्के घर बने थे, उसमें सबके बन गए, हमारे नहीं बना। नाम क्या है आपका? आपका सुनीता देवी। सुनीता देवी नाम है। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। आपने फिर आगे कुछ? अब आगे कुछ हमने की कुछ नहीं किया, हम बैठ गए, पता नहीं किसने कटा दिया, रेडी कटा दिया मैं, हमको लगा थे। अच्छा, आपको आवास मिलना चाहिए था जी। आप इसमें कैसे कैसे निर्वाह कर रही हैं? पानी वानी तो सब भर जाता होगा? पानी वानी सब भर जाता है, जिस सब जो छप्पर और टन सब तुए लगा थे सब, सब छीछा ले जाए, हम बच्चे हमारे छोटे छोटे सब थाली खाना सब लीले इधर उधर भागने लगते हैं, कहीं तकर खटिया पलका ढूंढने लगते हैं, बेचारे खाना बना थे और नहीं कहूँ पर कहाँ बनाते, बारिश हो जाती है जब पानी बंद हो जाते तब हम खाना बनाते हैं। ये पांचवा केस हम गाँव का दिखा रहे थे, जहाँ पर ये भी भुक्त भोगी है और ये भी जो आपसी मतभेद है उसका शिकार हुई है, जबकि आवास मिलना चाहिए था। आपका नाम क्या है? फुरकान अली। फुरकान अली नाम है। आपको आवास मिला नहीं मिला? नहीं मिला। आप इस झोपड़ी में रह रहे हैं जी? कितने सालों से? हो गया लगभग 8-9 साल। शादी हो गई जी? कितने साल हुए शादी के? शादी के हो गए 8 साल। 8 साल शादी के हो गए हैं, 8-9 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए, लेकिन आवास नहीं मिला जी? नहीं। आपने शिकायत की प्रधान जी के पास जी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप जमीन दीजिए, हम आपको जो है वो आवाज देंगे। तो हमारे पास जमीन भी नहीं है। अच्छा, जमीन भी नहीं है और आवाज भी नहीं है, तो इस झोपड़ी में अकेले रह रहे हैं आप, गुजर बसर कर रहे हैं, तो क्या करें? तो बारिश आती होगी तो बहुत दिक्कत होती होगी जी। तो प्रधान ने आपको आवाज अभी तक नहीं दिया जी? नहीं। इसके बाद ये छठा केस है यहाँ का और ये 7वां केस है। तो दोनों जगह की विजुअल हमने आपको वीडियो दिखाई यहाँ पर आपकी, और दोनों लोगों को आवास नहीं मिला है। अब आगे आपको दिखा, आज हम आपको बंकी ब्लॉक के मोहिद्दीनपुर
की खबर दिखा रहे हैं, जहां पर जो आवासों में लापरवाही बरती जा रही है और जिसके कारण से लाभार्थी परेशान हैं, जो पात्र होते हुए भी आवास से वंचित हैं, उनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम सातवें आवास पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा घर बना हुआ है। यहाँ पर विजुअल हम पूरा आपको दिखाएंगे, पूरी पूरी खबर आपको हम अंदर की दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मात्र जो छप्पर है वहां पर व्यक्ति रह रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये है शौचालय, हालांकि सरकारी शौचालय मिला है, लेकिन यहाँ पर रहने को छत नहीं है, बस एक ही छप्पर के नीचे गुजर बसर परिवार कर रहा है। लेकिन इसको प्रधानमंत्री आवास अभी तक उपस्थित या प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। हम जानकारी लेते हैं, नाम क्या है आपका? सीमा देवी नाम है। आपको आवास नहीं मिला है, आपने अप्लाई किया जी। प्रधान से कहा आपने जी। कौन है प्रधान? राजकुमार। राजकुमार है, उन्होंने आवास नहीं दिया आपको जी? नहीं। क्या कहा उन्होंने? मैं कहा कि कागज लगाए हैं, हो जाएगा। तो कितने सालों से कह रहे हैं? 5 साल, कम से कम 4-5 साल हो गया सर। दरखास्त जब लगाते हैं, जब किसी ने रोक लगा दिया है, वो भी नहीं होता है। अच्छा, तो कोई अगर आप पात्र हैं, सूची में नाम होगा आपके? सर यही तो पता नहीं है। तो यानी कि गांव में प्रधान जी कह रहे हैं कि आवास हम दे रहे हैं, आपको आवास दे रहे हैं, लेकिन होते 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 5 साल बीत गए और परिवार इस छप्पर के नीचे रहने को मजबूर है, अपना जीवन यापन कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिला है जी।